बर्फ का गोला। गर्मियों का मौसम था और दोपहर की तेज गर्मी के बाद सूरज अब ढलने ही वाला था। गट्टू और चिंकी कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सो रहे थे। थोड़ी देर में मम्मी उन्हें उठाने आती है। गट्टू चिंकी चलो उठ जाओ, देखो 5 बज गए और तुम्हारे फ्रेंड्स बाहर तुम्हें खेलने के लिए बुलाने आए हैं। फ्रेंड्स के आने की बात सुनकर गट्टू और चिंकी की नींद खुल जाती है और वो दोनों जल्दी से उठकर अपना मुंह धोने के लिए चले जाते हैं। लिविंग रूम में मम्मी उनके फ्रेंड्स गुड्डी और हरी को ठंडा ठंडा रूह अफजा पीने को देती है। थैंक यू आंटी, मजा आ गया रूह अफजा पीकर। अरे अरे वेलकम बच्चो, बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है ना, इसीलिए तुम लोगों के लिए ठंडा ठंडा रूह अफजा, ये तुम्हें खेलने के लिए और एनर्जी देगा। सब हंसने लगते हैं और तभी गट्टू चिंकी मुंह धोकर वहाँ आ जाते हैं। चलो गुड्डी और हरी, हम सब लोग अब घर के सामने वाले प्लेग्राउंड में खेलने चलते हैं। वहाँ पर कितने सारे झूले हैं। हाँ, और मैंने अपना बैडमिंटन भी ले लिया है, हम लोग बैडमिंटन भी खेलेंगे। ओके हाँ चिंकी जरूर, बहुत मजा आएगा, वहाँ पर गोले वाले अंकल भी आने वाले होंगे, चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ बच्चों तुम सब अपना अपना रूह अफजा खत्म करो, गट्टू चिंकी तुम दोनों भी रूह अफजा पियो फिर खेलना, इससे खेलते खेलते तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। ये सुनकर सभी बच्चे अपना रूह अफजा खत्म करते हैं और चारों लोग प्लेग्राउंड जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। प्लेग्राउंड पर पहुंचकर सब लोग झूले झूलने लगते हैं। चलो हम उस स्लाइड पर चलते हैं, वो कितनी मजेदार है। हाँ गट्टू चलो। यहाँ पर कितना मजा आ रहा है ना झूले झूलने में, देखो गोले वाले अंकल कब आएंगे, मुझे तो जल्दी से अपना फेवरेट काला खट्टा फ्लेवर गोला खाना है। हाँ सच में मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा, मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगी। क्यों चिंकी तुम कौन सा फ्लेवर खाओगी? मैं तो अंकल के आने के बाद ही डिसाइड करूंगी। पार्क में झूले झूलने के बाद गट्टू चिंकी गुड्डी और हरी चारों मिलकर बैडमिंटन खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। आधा घंटा खेलने के बाद वो थक कर वहीं ग्राउंड में बैठ जाते हैं। सभी बच्चों को गर्मी की वजह से काफी ज्यादा पसीना आ रहा था, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। गोला ले लो गोला, ठंडा ठंडा मीठा मीठा गोला ले लो। गोले वाले अंकल की आवाज सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चलो हम सब चलकर मम्मी से गोले के लिए पैसे मांग कर लेकर आते हैं। पर कहीं तब तक वो अंकल दूर ना चले जाए। मेरे पास एक आइडिया है, मैं और गट्टू जल्दी से मम्मी से पैसे लेकर आते हैं और तुम दोनों जाकर गोले वाले अंकल को आगे जाने से रोको। सारी प्लानिंग करके वो लोग जल्दी से उठते हैं और दौड़कर प्लान के मुताबिक काम करने लगते हैं। गट्टू और चिंकी मम्मी से गोले के लिए पैसे मांग कर लाते हैं और गुड्डी और हरी जाकर जल्दी से गोले वाले अंकल को रोकते हैं। अरे गोले वाले अंकल रुक जाइए, हमें कुल्फी लेनी है। हाँ अंकल रुक जाइए, हम बहुत देर से आपको बुला रहे हैं। अरे अरे बच्चों, तुम लोगों की तो भागते भागते सांस फूलने लगी, रुको मैं अभी तुम्हें एक बढ़िया सा गोला खिलाता हूँ। अंकल हमें 4 गोले बनाकर दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों, बताओ कौन कौन सा फ्लेवर खाओगे तुम सब? मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगा। और मेरे लिए एक काला खट्टा फ्लेवर गोला बना दीजिए अंकल। ओ मैं एक मिक्स गोला खाऊंगा जिसमें सारे फ्लेवर्स हो। मुझे एक वावा फ्लेवर का गोला खाना है। हाँ 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 बच्चों, मेरा आज का बनाया हुआ गोला बहुत खास होने वाला है। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर चारों बच्चे हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। क्यों अंकल आज ऐसा क्या खास होगा गोले में? बच्चों आज मैं आपको केवल आपके फेवरेट फ्लेवर का ही नहीं बल्कि आपके फेवरेट शेप का गोला भी दूंगा। वाह, इसका मतलब ये है कि हम जो भी शेप बताएंगे आप हमें उसी शेप में गोला बना कर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चलो बच्चों अब जल्दी से एक एक करके मुझे बताओ कि किसको कौन सी शेप का गोला खाना है। अंकल मेरे गोले का शेप एकदम राउंड राउंड होना चाहिए। तो फिर मेरा गोला स्क्वायर शेप का बनाइए अंकल जी। मेरा गोला एक सिलेंडर के शेप का होना चाहिए,
सब लोगों से अलग। मैं तो एक ट्रायंगल शेप का गोला खाऊंगी। ये लो बच्चों, आप सबके मनपसंद गोले। सब बच्चे अपना अपना गोला लेकर अंकल को थैंक यू बोलते हैं। गोला खाते वक्त चारों बच्चे ग्राउंड में बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अंधेरा होने लगा था और धीरे धीरे सभी बच्चे खेलकर अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर की तरफ लौट रहे थे। गट्टू चिंकी और उनके दोस्तों का गोला तो खत्म हो जाता है, पर उनकी बातें चलती ही रहती है। तभी मम्मी उन्हें आवाज लगाती है, बच्चों चलो सब अंदर आ जाओ, और गुड्डी और हरी तुम्हारे घर से भी कॉल आया है। तुम्हारी मम्मी तुम लोगों को बुला रही है, अंधेरा होने वाला है बच्चों। हाँ आंटी, हम लोग भी बस जा ही रहे हैं। बाय गट्टू चिंकी। बाय बाय गट्टू चिंकी। बाय बाय। बाय बाय, कल तुम दोनों फिर से आना, हम लोग दोबारा गोला खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ हम जरूर आएंगे गट्टू।